अपने इनबाइलेट एक्टिविटी शब्द तो जरूर सुना होगा, अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। इस वीडियो में पूरा स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा कि इनबाइलेट एक्टिविटी आखिर होता क्या है। दोस्तों, इनवैलिड एक्टिविटी एक बहुत ही खतरनाक प्रोसेस कह सकते हैं एक यूट्यूबर के लिए। भगवान न करे किसी के चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी आए, अगर किसी के चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी वगैरह हो जाती है तो उसका चैनल और साथ ही उसका एडसेंस अकाउंट खतरे में आ जाता है। कई बार तो उसका एडसेंस अकाउंट उसी समय टर्मिनेट भी हो जाता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनवैलिड एक्टिविटी, इनवैलिड क्लिक्स क्या होते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इनवैलिड एक्टिविटी और इनवैलिड क्लिक्स अलग अलग हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल इनवैलिड एक्टिविटी के अंतर्गत ही इनवैलिड क्लिक्स आते हैं। इनवैलिड क्लिक्स दरअसल उन्हें कहते हैं कि जब हम खुद ही अपने वीडियो पर चल रहे एड्स को हम खुद ही अपने रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट करने के लिए उन पर क्लिक करते हैं, उसे इनवैलिड क्लिक कहा जाता है। दोस्तों, हम इनवैलिड एक्टिविटी की बात करें तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इनवैलिड एक्टिविटी का हिंदी में मतलब होता है असामान्य या फिर अमान्य गतिविधि। लेकिन अब बात आती है कि आखिर वो असामान्य या फिर अमान्य गतिविधि कौन सी है जिसके द्वारा हमारा यूट्यूब चैनल या फिर हमारा एडसेंस अकाउंट ही भी खतरे में आ जाता है। तो दोस्तों, हम इनवैलिड एक्टिविटी जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर यूट्यूब हमें कैसे पे करता है, यानी कि हमें कैसे पैसा देता है। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में वहम होता है कि YouTube में व्यूज, लाइक, सब्सक्राइबर के पैसे देता है, तो यह बिल्कुल गलत है। YouTube दरअसल हमें ना तो व्यूज ना ही लाइक डिसलाइक के पैसे देता है, बल्कि हमारे वीडियोस पर चल रहे एड के पैसे हमें देता है। वो भी YouTube 45% रख लेता है और 55% हमको दे देता है, वही हमारी एक्चुअल रेवेन्यू होती है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर इनवैलिड एक्टिविटी कहां पर होती है, कैसे होती है। तो अब बात करें कि दोस्तों, जब भी हमारे वीडियोस पर एड आते हैं तो हर किसी को जानने की ललक होती है कि हमारे वीडियोस पर एड आ रहे हैं या फिर नहीं। तो वह खुद के ही मोबाइल से अपनी वीडियोस को देखता है और उस पर एड आते हैं तो वह देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन जब काफ़ी सारे लोग जान जाते हैं कि YouTube हमें एड के पैसे पे करता है, तो वो फिर अपनी वीडियोस को बार बार देखकर और अपने ही एड पर क्लिक करके, क्योंकि हम एड पर क्लिक करते हैं तो जो रिवेन्यू होता है वो डबल जनरेट होता है। तो अगर कोई बंदा जान गया तो उसको बार बार अपने वीडियोस के एड पर क्लिक करता है, अपनी वीडियोस को अपने मोबाइल से ही बार बार देखता है, जिससे गूगल और यूट्यूब वालों को पता चल जाता है। क्योंकि अगर आपकी एक ही आईपी पर बार बार क्लिक्स हो रहे हैं, एक ही आईपी से बार बार क्लिक्स, एक ही आईपी से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो फिर यूट्यूब वालों को पता चल जाता है और इसी को कहते हैं इनवैलिड एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपनी वीडियोस को एक दो बार अपने मोबाइल से ही देख लिया है तो आपके चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी आ जाएगा। अगर आप उसे बार बार करते हैं, दिन में 10-5 बार करते हैं, तो लगभग 90-100% चांसेस हैं कि आपके चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी आ जाएगा। क्योंकि अगर आप एक ही आईपी से बार बार अपने एड को देख रहे हैं, अपने वीडियोस पर आ रहे हैं, एड को देख रहे हैं, तो फिर यूट्यूब वालों को ऐसा लगेगा कि आप खुद से ही रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, खुद से ही अपने वीडियोस पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए खुद से ही वीडियोस को देख रहे हैं, तो फिर यह इनवैलिड एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल अपने मोबाइल से ही बार बार देखेंगे तो इनवैलिड एक्टिविटी आ जाएगा। अगर आप किसी दूसरे बंदे के फ़ोन से या फिर अपने दोस्त फ्रेंड किसी के फ़ोन से अगर बार बार देखते हैं अपने वीडियोस को या फिर एड पर बार बार क्लिक करते हैं, तो चूँकि उस स्थिति में ही एक ही आईपी से यह काम बार बार हो रहा है, तो वो भी इनवैलिड एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाएगा। इसी का फ़ायदा काफ़ी सारे लोग उठाते हैं, किसी का जो नया नया चैनल होता है तो उस पर एक ही आईपी से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर देते हैं, तो उस बंदे का यूट्यूब चैनल और एडसेंस खतरे में आ जाता है। तो अगर आप भी अपने YouTube चैनल और एडसेंस अकाउंट को लॉन्ग टर्म तक ले जाना चाहते हैं, खतरे से बचाना चाहते हैं, तो अपनी वीडियोस पर को देखना बंद कर दीजिए और अपनी वीडियोस पर आ रहे एड को क्लिक करना बंद कीजिए। अगर आप एक दो बार करते हैं तो कुछ नहीं होगा, अगर आप यह बार बार करते हैं तो फिर आपका एडसेंस अकाउंट परमानेंटली टर्मिनेट हो जाएगा, फिर आपकी सारी मेहनत एक सेकंड में ही मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग यह भी सजेस्ट करते हैं CPM वर्क करके, क्योंकि वह VPN लगाकर और CPM वर्क करते हैं, क्योंकि जिस कंट्री का हाई CPM होता है उस कंट्री में VPN को कनेक्ट कर देते हैं,
देन अपने वीडियोस को अलग अलग आईडी से वॉच करते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप अपना आईपी एड्रेस छुपा सकते हैं लेकिन अपने फ़ोन का मैक एड्रेस आप नहीं छुपा सकते हैं। तो अगर गूगल एडसेंस वालों को पता चला कि एक ही मैक एड्रेस पर अलग अलग आईपी चेंज करके कोई बंदा अपने वीडियोस पर ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, अपने यूट्यूब चैनल पर ट्रैफिक जनरेट कर रहा है या फिर अपने ही एड पर क्लिक करके ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो इस स्थिति में इनवैलिड एक्टिविटी मानी जाएगी और उसका एडसेंस अकाउंट या फिर यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। ज़्यादातर मामलों में एडसेंस अकाउंट ही टर्मिनेट होता है, यानी कि उसका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाता है। मैंने आपको बता दिया कि इनवैलिड एक्टिविटी क्या है, इनवैलिड क्लिक्स क्या है। तो मैंने लगभग इनवैलिड एक्टिविटी से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इनवैलिड एक्टिविटी से कैसे बच सकते हैं या फिर कैसे पता लगा सकते हैं कि इनवैलिड एक्टिविटी हमारे चैनल पर हो रही है या फिर नहीं। तब तक के लिए, और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस और अधिक पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।